एशियाई बाजार के संकेत मिले जुले कह सकते हैं, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत फिलहाल सुस्ती की तरफ ही होती हुई देखने को मिल रही है। करीब आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ एसडीएक्स निफ्टी आप देखिए 10,761 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। हांगकांग के बाजार में 267 अंकों की बिकवाली का दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार की भी सुस्त क्लोजिंग देखने को मिली। शुरुआत अच्छी जरूर हुई लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से गिरावट करीब 550 अंक की बढ़त गवाकर डाउ सपाट बंद होता हुआ दिखा। साथ ही नैसडेक और एसएनपी में भी गिरावट के साथ ही ट्रेंड देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से एक बार जान लेते हैं, साथ ही कोरोना का अपडेट भी समझ लेते हैं। दीपांशु भंडारी ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु गुड मॉर्निंग, विदेशी बाजार के संकेत क्या कोई डेटा है या फिर कोरोना की स्थिति है जिसके चलते हम ये सुस्ती का रुझान देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, काफी सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप थोड़ी सुस्ती देख रहे हैं। हालांकि इतनी बुरी भी गिरावट नहीं है जिस तरह से हाई से यूएस मार्केट्स में गिरावट आई, पर हाँ कुछ ऐसे संकेत हैं जिसकी वजह से दबाव बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले सिंगापुर के अप्रैल से जून तिमाही के जीडीपी नंबर्स आए और उसमें 12.5% ईयर ऑन ईयर जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। और सिंगापुर में आपको याद है अप्रैल और मई में ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट अब दिख रहा है लॉकडाउन का ग्रोथ पर वो आता हुआ दिख रहा है। और पहली मेजर इकोनॉमी है जिसका जीडीपी डेटा आया है उस लॉकडाउन पीरियड का, तो वहां से थोड़े कमजोर संकेत जरूर है। चाइना का जून महीने का ट्रेड डेटा आने वाला है, वहां पर निवेशकों की नजर है। पर जिस तरह से कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक्शन रहा वहां से थोड़ा मूड जरूर बिगड़ा है, क्योंकि तेजी से शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों पर। दिन के हाई पॉइंट पर से डाउ लगभग 550 अंक फिसल कर एकदम सपाट बंद हुआ। नैसडेक ने नया हाई बनाया और वहां से 1% ऊपर था नैसडेक और वहां से गिरकर 2% नीचे बंद हुआ नैसडेक, तो आप देख सकते हैं कितनी तेज गिरावट हुई। एसएनपी 500 भी 1% नीचे बंद हुआ, एक पॉइंट पर एसएनपी 500 में 1% से ज्यादा की बढ़त थी। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव आते हुए हमने देखा और इनकी वजह से मार्केट्स को सहारा मिल रहा था, तो वहां से जो प्रेशर पड़ा तो बाकी बाजार में भी गिरावट आती हुई शुरू हुई। आज कुछ दिग्गज बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं तो वहां पर भी नजर रहेगी और उससे भी सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। एक्चुअली हुआ यह है कि जो कैलिफोर्निया राज्य है वहां पर फिर से आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सारे पब्लिक स्पेसेस को बंद कर दिया गया है, रेस्टोरेंट्स, जिम, म्यूजियम्स, बार्स, इन सारी जगह को फिर से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इकोनॉमिकली स्पीकिंग कैलिफोर्निया बहुत बड़ा राज्य है यूएस का, पूरे आईटी इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर्स आप देखेंगे तो सारे के सारे मेन कंपनीज कैलिफोर्निया में है, तो उसकी वजह से असर पड़ता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिकवाली देखी। और आपको याद होगा जब कोरोना संक्रमण फैलना शुरू हुआ था तो सबसे पहली जो स्टेट थी जिसने लॉकडाउन किया था वो कैलिफोर्निया थी, तो एक तरह से लॉकडाउन का एक लीडिंग इंडिकेटर है कैलिफोर्निया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया था जब पहली बार कोरोना की चिंताएं आई थी। तो अब वापस अगर कैलिफोर्निया लॉकडाउन लगाने की बात कर रहा है और ऑलरेडी आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है, तो उससे फिर बाकी स्टेट्स का क्या इफेक्ट होगा और बाकी राज्य क्या मेजर्स लेंगे उससे भी थोड़ी चिंता बढ़ती है। तो दोनों लिहाज से देखें तो कैलिफोर्निया इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने मार्केट पर इसका इंपैक्ट आते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार वैसे तो तेजी में ही रहे, 1-1.5% ऊपर थे, पर सोने का ट्रेड दायरे में रहा। कच्चे तेल यहां पर नजर डालनी चाहिए, वैसे तो दबाव में ही है कच्चे तेल। आज और कल ओपेक और ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है, इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की बैठक है, तो जो मेन हेड्स हैं ओपेक कंट्रीज के वो नहीं मिलेंगे, पर उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के जो की जो कमेटी बनाई है उनके लोगों की मीटिंग है और वहां से फिर क्या रिकमेंडेशन आएगा, क्योंकि ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रोडक्शन कट को कम करने का रिकमेंडेशन आ सकता है। फिलहाल 97 लाख बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट है, उसे कम करके 77 लाख बैरल्स किया जा सकता है। पर अगर डिमांड कम रहेगी और वापस लॉकडाउन आएंगे तो इसका ऑयल प्राइसेस पर कितना असर पड़ सकता है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति, कोरोना के आंकड़े क्या बयान कर रहे हैं और वैक्सीन से जुड़ी क्या कोई अच्छी खबर है हमारे पास? जहां तक आंकड़ों का सवाल है तो ऑलमोस्ट जो 2 लाख डेली एवरेज आ रहे हैं केसेस की वैसा ही आप देख रहे हैं। कल यूएस में 65,000 नए मामले सामने आए, भारत में 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने थे जो कि ब्राजील से भी ज्यादा हैं, तो कल यूएस के बाद दूसरे नंबर पर भारत था जहां तक नए मामलों का सवाल है। कल देखें तो भारत में भी 540 लोगों की मौत हुई जो यूएस से भी ज्यादा है, तो एक दिन में सबसे ज्यादा जो लोगों की मौत हुई वो आंकड़ा सबसे ज्यादा आपने इंडिया में कल देखा है। फिलहाल 3,11,000 एक्टिव मामले हैं भारत में और 5,72,000 लोग अभी तक ठीक हुए हैं।
जहां तक कोरोना की वैक्सीन का सवाल है, एक और अच्छी खबर आई है। फाइजर और जर्मनी की एक कंपनी है बायोनटेक, ये दोनों साथ में मिलकर वैक्सीन डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। 4 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है इन दोनों कंपनीज की तरफ से, जिसमें से अब 2 वैक्सीन को फास्ट ट्रैक करने की मंजूरी मिल गई है USFDA से, यानी कि इसके डेवलपमेंट को और तेजी से बढ़ाया जा सकता है। दोनों कंपनीज का एक ज्वाइंट बयान आया है जो कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अप्रूवल मिलने के बाद 30,000 लोगों पर अब इन 2 वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा और फिर वहां से सक्सेस रेशियो निकाला जाएगा। इन्होंने प्री प्रोडक्शन के प्लान्स भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, पर ये लोग प्रोडक्शन उसका स्टार्ट करने वाले हैं इस एंटिसिपेशन में कि आगे जाकर शायद इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाए। और इनका प्लान है कि साल के अंत तक 10 करोड़ डोजेज इस वैक्सीन की तैयार होनी चाहिए। अप्रूवल मिला तो ऑलरेडी ये मार्केट्स में आ सकती है, नहीं मिला तो नहीं मिला, पर ये प्री अप्रूवल की वजह से ये तैयारी कर रही है वैक्सीन के डेवलपमेंट की और उसके प्रोडक्शन की। और साथ ही 2 वैक्सीन को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है क्योंकि वहां से स्ट्रॉन्ग संकेत आ रहे हैं। तो एक बड़ा ट्रायल होने वाला है इनका और आगे जाके देखना पड़ेगा कि कितनी सक्सेस होती है इन वैक्सीन की, पर डेफिनेटली एक अच्छी खबर है वैक्सीन को लेकर। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIIs ने कल कैश मार्केट में 222 करोड़ की खरीदारी जरूर की है, लेकिन DIIs ने कैश मार्केट में 1486 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं FIIs ने वायदा बाजार में 1163 करोड़ की बिकवाली की है। तो एक छोटी सी खरीदारी FIIs की तरफ से कैश मार्केट में, लेकिन DIIs कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और वायदा बाजार में FIIs की तरफ से भी बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कल घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से करीब 1500 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली आती हुई दिखी, वहीं FIIs भी वायदा बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, इसका बाजार के सेंटिमेंट पर कैसा असर पड़ता दिखेगा? देखिए सेंटिमेंट पर असर तो कमजोर रहना ही है, और इनफैक्ट जिस तरह से घरेलू फंड की दमदार बिकवाली हो रही है, FIIs भी अगर आप देखें तो भले ही कैश मार्केट में कल 222 करोड़ की खरीदारी की हो, लेकिन वायदा कारोबार में उनकी भी करीबन 1200-1300 करोड़ की बिकवाली है स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में। आपने शुक्रवार के आंकड़े भी देखे होंगे, FIIs ने कैश और वायदा कारोबार में भारी बिकवाली की है, घरेलू फंड ने भी बिकवाली की है। तो वापस से ना थोड़ा बिकवाली का दबाव ऊपरी स्तरों पर बढ़ रहा है, और ये सिर्फ घरेलू फंड की तरफ से नहीं है बल्कि FIIs की तरफ से भी है। जो आंकड़ा खरीदारी का आपको दिखता है वो बहुत छोटा दिखता है, और जो बिकवाली का आंकड़ा है वो कहीं साइजेबल है, बड़ा है, 4-4 डिजिट का है। तो इसका मतलब एक साफ है कि 11,000 के लेवल के आसपास थोड़े से फंड कंफर्टेबल नहीं है बड़ा पैसा कमिट करने के लिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं। और शायद यही वजह कि बाजार में आपको ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है, और स्पेशली जो प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में आती हुई दिख रही है। और मानसी उसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो ये थोड़े से ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, बढ़ने में आगे रहते हैं तो गिरने में भी आगे रहते हैं, और कमजोरी का संकेत अगर आपको पहले आएगा मार्केट में तो वो बैंक निफ्टी से आएगा, निफ्टी से शायद बाद में आए अगर आए तो। और बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से 1000 पॉइंट निकल गया है, तो वो संकेत आपको दे रहा है। ज्यादातर बिकवाली भी फंड की वहीं पर होती हुई दिख रही, क्योंकि यही वो NBFCs है बैंक से जो आप देखिए 2 महीने पहले किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे थे, तो वहां से अच्छी खासी तेजी होने के बाद अब फंड्स की बिकवाली हो रही। तो थोड़ा सा मैं इन फंड्स की बिकवाली के आंकड़ों को देखते हुए ऊपरी स्तरों पर सावधान रहना, और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि आप अपने लेवल से खरीदिए, जल्दबाजी मत कीजिए। तो ये बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने के मूड में है, टाइम वाइज करेक्शन देने के मूड में है, तो इन आंकड़ों के दम पर ऊपर टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। बिल्कुल अनिल सर, तो फिर इन आंकड़ों को देखते हुए साथ ही विदेशी बाजार के संकेतों को समझते हुए आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे? मंथ देखिए, पहले तो सपोर्ट की बात करें तो 10,675 10,725 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है, और कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, संभावना कम है कि हम उस लेवल को तोड़ेंगे, अभी भी मजबूत सपोर्ट के तौर पर फर्ज करें किसी वजह से अगर तोड़ दे तो 10,550 10,625 उसके बाद अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिखेगा, और उसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करेगा तो ही ट्रेंड है ना जो पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में जरूर ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 22,200 के नीचे की जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ा सा न्यूट्रल ट्रेंड दिखा रही है। बैंक निफ्टी में ट्रेंड नेगेटिव तब होगा जब बैंक निफ्टी 21,500 के नीचे जाकर क्लोज देना शुरू करे, तो ट्रेंड नेगेटिव होगा।
इस वक्त बैंक निफ्टी के लिए निफ्टी के लिए ऊपरी स्तरों पर 10,850 10,900 यही वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 21,650 से 21,850 की रेंज अब ज्यादा मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और अगर इसको पार किए इसके नीचे जाएं तो फिर दिक्कत की बात है। मुझे लगता है डे ट्रेड के लिहाज से ये रेंज काफी अच्छा सपोर्ट हो सकती है। ऊपर में 22,400 से 22,600 की रेंज ऐसी है यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। जी मान बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली स्ट्रेटजी आपके सामने है सपोर्ट जोन्स निफ्टी के लिए 10,675 से 10,725 के मानकर चलें, वहीं ऊपरी रेंज 10,850 से 10,900 तक की आपको मानकर चलना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 21,650 से 21,850 के सपोर्ट जोन्स, ये लेवल सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 21,500 के नीचे कमजोरी आने की संभावना दिख सकती है, लेकिन ट्रेडिंग रेंज जो है 22,400 से 22,600 के ऊपरी स्तर पर भी देखी जा सकती है। इन्हें ऊपरी स्तरों के लिहाज से आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन से शेयर्स हैं जो कि आज एक्शन में दिखेंगे। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, आज सबसे पहले आप देखिए रोजरी बायोटेक, इस पर नजर रखिए। जो आईपीओ कल शुरू होता हुआ देखा, कल खुला है, वो कल तक खुला रहने वाला है। पहले ही दिन आप देखिए जो आईपीओ है उसको अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है, 60% तक ये आईपीओ भरता हुआ दिखा, जहां पे क्यूआईबी में करीब 41% ये आईपीओ भरता हुआ दिखा, लेकिन रिटेल निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है, 92% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है पहले ही दिन, तो ये अच्छा रिस्पांस था। वोडाफोन आइडिया पर नजर रखनी होगी, साथ ही टेलीकॉम पर, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की अर्जी पर आज 12 बजे टीडी सेट में सुनवाई होने वाली है। ट्राई की प्रीमियम प्लान को रद्द करने का जो फैसला सुनाया था, इस पर आज बैठक होती हुई दिखी है और इस पर अर्जी दी थी। बीएफ यूटिलिटीज के लिए अच्छी खबर है, जहां पे आर के दमानी ने जून तिमाही में 1.3% हिस्सा बढ़ाया है, यानी कि नया जो हिस्सा है उन्होंने खरीदा है बीएफ यूटिलिटीज में। फिनिक्स मिल्स पर नजर रखें, इक्विटी के जरिए 1100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमने कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जियो में फंड्स जुटा रही है कंपनी, फाइनली इन्होंने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं जियो के, और बदले में विस्ता इक्विटी, केकेआर, एडीआईए और टीपीजी से उनको करीब 42,059 करोड़ मिल चुके हैं। साथ ही टाटा स्टील और सेल पर नजर रखें, जहां पे स्टील की कीमतों में करीब 500 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की गई है। हॉट एंड कोल्ड रोल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी जो कीमतें हैं इसमें बढ़ोतरी की गई, इसके चलते आज ये दोनों जो स्टील कंपनीज हैं इन पर आप कड़ी नजर रखें, इस पर आज मूवमेंट आती हुई देख सकती है। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति सुझाई है, आइए देख लेते हैं। भारती एयरटेल, ये कंपनी 2% की वृद्धि के साथ थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ और 587 के आसपास क्लोज हुआ। मैं यहाँ पे 590 की कॉल लेने की सलाह दे रहा हूँ। इस पे आप 23 रुपए का प्रीमियम था, इसमें स्टॉप लॉस रखे 19 रुपए का और टारगेट है करीब 31 रुपए। तो मैं समझता हूँ कि ये पोजिशनल कॉल भी बनती है और उसके साथ आप फंडामेंटल की दृष्टि से तो आप लेंगे तो आप थोड़े स्टॉक्स ले सकते हैं, पर लंबी राय के लिए। तो हम शाम 7:30 बजे हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में कमाई की एक और जबरदस्त स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, कमाई का ऑप्शन ट्रेड बताएंगे। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो जरूर देखें हमारी ये शाम की खास पेशकश बाजार आज और कल। चलिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव के नजरिए से, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि तमाम ट्रेडिंग कॉल्स आज खरीदारी की है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से एचपीसीएल और साथ ही एनएमडीसी दोनों में ही खरीदारी की राय आती हुई दिखी है। एचपीसीएल आप 216 के लक्ष्य को मानकर चले, 208 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, खरीदारी कीजिएगा। वहीं एनएमडीसी में खरीदारी की राय आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि 90 टारगेट से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, 84 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में खरीदारी की राय आते हुए देखने को मिल रही है, 1475 के टारगेट्स को मानकर चलें, 1420 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और साथ ही सन फार्मा, यहां पर भी खरीदारी की राय, एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि 515 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 493 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा, खरीदारी का मन यहां पर भी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हिमांशु गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। कल उतार चढ़ाव भरा सेशन हमने जरूर देखा बाजार में, बैंक निफ्टी में गिरावट हावी होती हुई दिखी और आज जिस तरह से विदेशी बाजार के संकेत आ रहे, एफआईआई डीआईज के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, आज का ट्रेड आपको कैसा लगता है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार कल हालांकि हायर लेवल्स पर हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 10,800 के ऊपर की जो क्लोजिंग थी वो काफी हद तक पॉजिटिव थी और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पर बाजार में लोअर लेवल्स पर खरीदारी लौटते हुए देखने को मिलेगी। जब तक हम 10,780 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करते हैं निफ्टी में, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में जो ट्रेंड है वो अभी तक इंटैक्ट रहेगा, अपसाइड का ट्रेंड। तो आज के लिए मुझे लगता है कि 10,730-10,750 इस रेंज में, जो कि जैसा कि एसजीएक्स दिखा रहा है, ये अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी करके चला जा सकता है। 10,700 के नीचे का या 10,680 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और मुझे लगता है कि 10,850 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मानसी, निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे कल हमने देखा कि डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे कि एफएमसीजी, कंजम्पशन, फार्मा, इस सब में तो यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी एजीएम से पहले यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक बाजार को एक अच्छी सपोर्ट रिलायंस की तरफ से देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली मानसी, कल के सेशन में हालांकि यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक दबाव देखने को मिला और वो दबाव काफी हद तक एक सिंगल एचडीएफसी बैंक की न्यूज की वजह से था, लेकिन कल अगर एफआईआई का डेटा देखें तो वहां पर कोई भी अच्छी बात ये रही कि कोई भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस किसी भी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में बनती हुई बढ़ती हुई नजर नहीं आई, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि जो 21,800 और 22,000 का जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम यहाँ पर कर सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 21,800 के नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी नहीं फिसलता, यहाँ पर बैंक निफ्टी लोअर एंड पर अपनी जो जोन है, जो रेंज है, उस पर लोअर एंड पर काम कर रहा है और ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ से एक 22,500-22,800 की तरफ आज और कल के सेशन में एक रिकवरी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर 22,000 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ और 22,400-22,500 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मानसी बात करें तो मेरी रिकमेंडेशन आज के लिए जो मेरी नजर रहेगी वो रहेगी भारतीय एयरटेल पे। यहाँ पर काफी दिन की कंसोलिडेशन के बाद एक कल ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पर लॉन्ग में लॉन्ग साइड ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी देखने को मिला और वॉल्यूम्स भी यहाँ पर डिसेंट थे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अपसाइड तेजी के लिए अब तैयार है, तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल में एक खरीदारी की राय रहेगी, 620 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है और 576 रुपए का एक स्टॉप लॉस भारतीय एयरटेल में लगाया जा सकता है। मानसी बिल्कुल, हिमांशु शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडेक्स पर राय और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की, 576 का स्टॉप लॉस, 620 के टारगेट आप मानकर चल सकते हैं। कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं, विस्तार से हमें नॉन एग्री एग्री कमोडिटी का जायजा देंगे। अजय गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नॉन एग्री पर ही फोकस करेंगे। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। कोरोना वायरस के आंकड़े जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि सोने चांदी की चाल पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्योंकि बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जो उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं उन्हें देखते हुए क्या राय देंगे आप? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बुलियन अभी भी मुझे लगता है कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है। कल के सेशन में भी हमने काफी बड़ी तेजी सिल्वर में आती हुई देखी, जिस दिन से गोल्ड अब थोड़ा बहुत हायर साइड पे जाकर एक कंसोलिडेट कर रहा है $1,800 के करीब, लेकिन चांदी जिस दिन से बेस मेटल में चली तो चांदी में भी तेजी कंटिन्यू बन चुकी, इस वक्त भी $19 के ऊपर है। तो आज का सेशन हो सकता है कि एक मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए, क्योंकि कल हमने 3.5% की तेजी चांदी में देखी और 0.5% से ज्यादा की तेजी गोल्ड में देखी है। तो मॉर्निंग सेशन में सोने चांदी में गिरावट रहेगी बट इवनिंग सेशन में फिर से उछाल मिल जाएगा। 2-3 दिनों में हमने देखा 49,200-250 के ऊपर गोल्ड बिल्कुल नहीं टिक रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी आज गोल्ड 49,200 के करीब बेचिए, 400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 48,700 तक के लेवल मिलते हैं वहां पे शॉर्ट से निकल के फिर से बाइंग आना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, ओपेक की बैठक से पहले क्रूड में कॉशियस ट्रेंड हम देख रहे हैं, $43 के इर्द गिर्द ब्रेंट में कामकाज है, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या होगी?
मानसी, कच्चे तेल में भी हमने देखा जिस ढंग से यूएस में फिर से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोविड के, उसके चलते एक अनसर्टेनिटी बनी हुई एनर्जी डिमांड को लेकर, और साथ में आज जेएमसीसी की जो मीट आज और कल रहेगा उसमें अटकल लगाई जा रही है कि फर्दर प्रोडक्शन कट कैसे होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो आई थिंक WTI अभी भी 40 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये कंटिन्यू 40 के नीचे ट्रेड करता तो हम एक बड़ा फॉल देख सकते हैं $36 तक। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि 3100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो अनलेस एंड अंटिल 3100 का लेवल ब्रिज नहीं करता है आप बेच के चलिए 3050-60 की रेंज में, जो डाउन साइड में भी लिमिटेड डाउन रहेगा, बट 2950-60 तक का लेवल आज के सेशन में मिल जाएगा। अजय जी, बेस मेटल्स पर क्विकली आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, जंग से हमने चिली में और बाकी माइंस में कोविड की वजह से कंसर्न्स देखा है, कहीं ना कहीं उसका असर था कि कल हमने सभी बेस मेटल में तेजी आती हुई देखी। नो डाउट टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, तो हो सकता है आज हम 1-1.5% की गिरावट के साथ बेस मेटल में ओपनिंग देखें, बट कॉपर मुझे अभी भी सही लगता है। कॉपर में मुझे लगता है कि अगर 498-499 के करीब मिले तो लेके चलिए 496 का स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइजेस फिर से शॉर्ट टर्म में तो 508, और ये कोविड का कंसर्न या सप्लाई कंसर्न बना रहता है तो कॉपर 524 तक का भी लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब सीधा रुख करते हैं FIR का, यानी कि FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, आज तो आपका सेक्टर जो है रियल एस्टेट वही फोकस में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा नोट आया, डिटेल्ड नोट आया CLSA का, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्री सेल्स के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं Q1 के काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि 80% की गिरावट बताई जा रही है। लेकिन कुछ रियल एस्टेट स्पेस में ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनका मार्केट शेयर भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक एक करके मैं आपको टारगेट प्राइस और रेटिंग बता देता हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखिएगा, यहाँ पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया, खरीदारी किराए को बदलकर या आउटपुट फॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन लक्स जो है 870 से बढ़ाकर 955 कर दिया है। ब्रो रियल्टी पर भी अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, खरीदारी किराए को बदलकर आउटपुट फॉर्म की रेटिंग दी गई है 395 रुपए के लक्स के लिए। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स पर ये पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड किया है, आउटपुट फॉर्म की रेटिंग को बदलकर खरीदारी किराए दी गई है, लक्स दिया है 240 रुपए का। शोभा डेवलपर्स पर आउट फॉर्म की रेटिंग है 252 रुपए के लक्ष्य के लिए, और अंत में DLF यहाँ पर खरीदारी किराया बरकरार है 190 रुपए के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रोकर्स से जुड़ा एक्शन आगे भी बुलेटिन में हम आपके सामने रखते जाएंगे, लेकिन फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।